हमें जो है वो मुसलसल जो है वो इन सारी चीज़ों को बयान कर रही है। हम जब तारीख की बात करते हैं तो तारीख को बयान करने के कुछ तरीके हैं, या आप सिर्फ तारीख बयान करें, या तारीख को तहलील करें, या उसका तज्जिया भी करें। खूब ये एकेडमिक रिसर्च के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं किसी भी इंसिडेंट को बयान करने के। हमारे लिए इन अय्याम में जो सबसे बड़ा जो चीज़ हम बयान करते हैं वो वाक़े करबला है। वाक़े करबला को या तो आप सिर्फ तारीखी पसमंज़र में बयान कर दें, या फिर उससे आप तहलील करें कि वो कौन से अनासिर थे जिसकी वजह से ये करबला का वाक़या पेश आया, और वो कौन सी ऐसी खसूसियात थीं कि जिन्होंने इमाम को पहचाना और इमाम तक पहुँचे, और वो कौन से ऐसे रज़ाइल थे कि जो इमाम के मुकाबले में आ गए। खूब अगर आप इन सब को डिटेल इन्हेंस कर सकते हैं तो फिर उसको एज इट इज़ अपने माशरे के ऊपर कॉपी करें और देखें। वो जो रेप्लिका जिसे करबला दे रहा है हर तारीख में, वो आज कहाँ है, यानी वो खसूसियतें आज कहाँ पाई जाती हैं, वो रज़ाइल आज कहाँ पाए जाते हैं, वो अनासिर आज क्या इस माशरे में मौजूद हैं या नहीं है। अगर सिर्फ तारीखी बात कह के गुजर जाएं तो कभी भी माशरा इर्तिका पे नहीं आएगा, कभी भी अपने वक्त के इमाम को आप नहीं पहचाने। अगर आप सिर्फ काश में रहे कि काश हम होते, काश हम होते, जबकि रिक्वायर्ड है, यानी ये हदीस है कि जब भी आप सैयदुश्शोहदा को याद करें तो ये ज़रूर कहें या लहतनी, काश हम होते, क्योंकि ये बार बार कहना आपके वजूद में एक इंस्टिंक्ट इजाद करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ तारीख में रहें और हाजिर में ना आए, तो फिर इसका मतलब है कि आपने ना उस इमाम को पहचाना ना इस इमाम को पहचाना है। क्योंकि अगर आप इमाम हुसैन को पहचान गए तो फिर आज आप इमाम के फर्जंद को पहचानेंगे कि उसकी कौन है, कहाँ है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। बहरहाल मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा कि बहरहाल सुइयाँ जो है वो मैं वैसे दकायक पे अमल करता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो टाइम है मुझे उसी के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करना है। देखें, हम बहरहाल यहाँ जमा हुए हैं वक्त के इमाम की गुफ्तगू करने के लिए, तो पहले तो हम ये देखें कि वो कौन सी चीज़ है जो इमाम के मुकाबले में खड़ी हुई है, इमाम के मुकाबले में आ रही है, और वो कौन सी चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, जो इमाम तक लेके जाएगी। पहली बात तो हम अपने जहनों से इस ख्याल को बिल्कुल हटा दें कि इट्स नॉट अ ओवरनाइट चेंज, एक ही रात को सब बदल जाएगा, जहूर आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो फिर इतने 100 साल ना होते। यानी कुछ इतनी रिक्वायरमेंट हैं कि हमें उस जगह को क्रिएट करना है, वो शहर कि जिसे अरिस्टोटल, जिसे बोली सीना, जिसे फाराबी अपनी किताबों में जिसका जिक्र कर गए, वो एपोक्लिप्स, वो शहर जिसके अंदर कोई होल नहीं होगा, यानी वो सिक्योरिटी सिस्टम कि जिसमें कोई लूप होल ना हो और उसमें वायरस अंदर ना आ जाए, कोई उसको हाईजैक ना कर पाए, एक ऐसा शहर डिज़ाइन करना है, एक ऐसा बलदल अमीन कि जिसे शहर कुरान भी जिसे जो है वो याद करता है। उस शहर को डिज़ाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और हम कितने दूर हैं उस शहर से। इमाम को जब हम दावत दे रहे हैं कि आप आए, तो क्या इमाम के लिए हमने हर चीज़, हर लूप होल, हर उस पेनिट्रेशन को सिक्योर किया हुआ है कि हम इमाम को दावत दे रहे हैं? क्योंकि देखें, करबला तो एक दफ़ा हो चुकी है, अब करबला इधर नहीं, अब दूसरी तरफ बर्पा करनी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई आए इंटरफेयर करे और वक्त के इमाम को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए हमें काम करना है। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, हमें तमद्दुन क्रिएट करना है, हमें स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी है। क्या हमारा माशरा या हम खुद उस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आज हमारी गुफ्तगुएं हो रही हैं कि ये जो कुछ बड़े फैक्टर्स हैं सोसाइटी को रन करने के, जिसमें पहला इकोनॉमिक्स है, दूसरा उसकी सिक्योरिटी है,
तीसरा कल्चर है, क्या इन टॉपिक्स पे हमारे यहाँ गुफ्तगू हो रही है कि हम इमाम के लिए किस तमद्दुन को तैयार कर रहे हैं, हम इमाम के लिए सिक्योरिटी कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं कि मतलब आप एक जगह को प्रूफ करें, हवा सिक्योर है आपके डेटा के लिए, क्या आप दुश्मन के सिस्टम से बाहर निकल पाए हैं, क्या आपका अपना कोई सैटेलाइट सिस्टम है, क्या आपका अपना मिसाइल सिस्टम है, आप कैसे सिक्योर करेंगे इमाम को, क्या इमाम को उनके मैप्स देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं इमाम को, क्या आप इतनी सिक्योरिटी लेयर्स क्रिएट करेंगे हवा में कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम जैम हो जाएं? तो हम किस ख्वाबों ख्यालों में हैं कि इमाम आ जाए? कहाँ है इमाम? कितनी सिक्योरिटी चाहिए, किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, किस लेवल का डाटा चाहिए आपको? तमद्दुन कहाँ है? वो इकोनॉमिकल सिस्टम कहाँ है कि जिस इकोनॉमिकल सिस्टम में हम बैलेंस क्रिएट कर सकें कि ना कोई बहुत अमीर हो ना कोई बहुत गरीब हो? वो बैलेंस सिस्टम जिसे इस्लाम दे चुका है, हम उसको अप्लाई नहीं करते। क्या आज हम अपने अतराफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं? क्या आज हम खुद मादे में जो डूबे हुए हैं मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, क्या हमारी अपनी दौड़ मादे के लिए है या उस इलाही सिस्टम के लिए है कि जहां पर मादे से मोहब्बत सिर्फ उतनी है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, बाकी क्या हम उसको बैलेंस कर रहे हैं? जो आज अगर मेरे पास बहुत कुछ है तो क्या मैं उसको स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं उसको फैला रहा हूँ? खूब ये सारी बहसों की ज़रूरत है। कितने हमारे पास इतने गुफ्तगुओं के या इतने कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम हैं कि जहाँ हम हर टॉपिक को जूम करके गुफ्तगू करें, कि जिसे सैयद अली खामनाई ने गामे दुवम यानी सेकंड स्टेप के नाम से जो है वो पेश किया है कि जिस पर वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं स्ट्रेटेजिकल प्लानर, कि कल शहर कैसे होंगे, सिटी कैसा होना चाहिए, कि सिटी में ट्रैफिक भी है पोल्यूशन भी है, हाउ टू कंट्रोल दिस पोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल दिस वॉइस, ये जो नॉइस है शहर के अंदर ट्रैफिक की, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये जो हवाओं के अंदर ड्रोन जो है वो आपकी डिलीवरियां करेगा, हवाओं के अंदर जो गाड़ियां उड़ने को तैयार खड़ी हैं, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए हम खुद सोच रहे हैं या अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने जहन के हदूद बहुत लिमिटेड है हमारे, हम इस दीवार से आगे देख ही कुछ नहीं रहे, जबकि वो आने वाला हदूदों को तोड़ देगा। वो जब आएगा तो टेक्नोलॉजी और इल्म अपने कमाल पे पहुंचेगा, और कोई बाइद नहीं कि जो है वो E=mc² में ये बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई किसी और जगह पहुंच जाएगी, कोई उसके लिए बाइद नहीं है। लेकिन उसके लिए दो शराइत हैं। पहली इंडिविजुअल है कि वो शख्स खुद फर्द अपने आप को तैयार कैसे कर रहा है, क्योंकि ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है कि आप जाहिरी चीजें तो कर ले लेकिन आपका बातिन खोखला हो। यहां पहली चीज जो चाहिए वो अबूदियत और बंदगी है। क्या हम बंदगी कर रहे हैं खुदा की? वो बंदगी अपने अंदर शराइत मांगती है। बंदगी की डेफिनेशन आइमा अलैहिस्सलाम ने बहुत की है, मगर जहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी हदीस है जिसे हम हदीस उनवान बशरी कहते हैं, वहां जब शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शख्स जब इमाम की खिदमत में आता है, हदीस तुलानी है बहुत, लेकिन इमाम उसे कहते हैं कि ये इल्म जब तक नहीं आ सकता जब तक तुम बंदगी ना करो उस परवरदिगार की। उस बंदगी के लिए तीन शर्तें कही हैं, उन्हें बहुत तेजी से गुजरूंगा। पहली, तुम किसी चीज के मालिक नहीं हो, वो मालिक है, जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसका है। अब अगर वो चाहे ले ले चाहे तुम्हें दे दे, और अगर दिया है तो फिर तुम्हें उसकी राह में देना है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम खुद हो, जिसको तुम समझते हो कि मैं मालिक हूं अपना, मैं हूं, तुम खुद नहीं हो, तुम भी उसके हो। तो क्या तुम अपने आप को इस काबिल कर रहे हो कि तुम अपने आप को उसे दे सको, अपनी सोचों को, अपने जहनों को, अपने इल्म को, अपनी दौलत को, अपना सब
वो मालिक है तो तुम्हें उसको देना है। दूसरी चीज वो मुदब्बिर है, वो तदबीरें बनाता है, वो प्लानर है। तुम अपनी जिंदगी में जो प्लानिंग कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि हो पाए। तो अगर तुम्हारी प्लानिंग उसकी प्लानिंग के साथ है तो फिर तुम बंदगी के दायरे में हो। तीसरी और जो कि कहने को बहुत आसान है मगर करने को सबसे मुश्किल है कि दो चीज़ों का उसने हुक्म दिया है। एक वो कि जो वाजिब है उसे अंजाम दो, जो हराम है उसे छोड़ दो, बस वो यही चाहता है तुमसे। अगर ये तीन चीज़ें की तुमने तो इमाम फरमाते हैं तुमने पहला कदम उठाया तकवे की तरफ। ये फर्स्ट स्टेप है अभी खाली। अब मैं अपनी जिंदगी में देखूं क्या मैं बंदगी के दायरे में हूं, क्योंकि मैं जब तक इमाम तक नहीं पहुंच सकता जब तक मैं बंदा खुदा नहीं बनूं। क्यों? क्योंकि वो आने वाला अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का वली है। अल्लाह के वली को अल्लाह का बंदा चाहिए, इलाही हुकूमत को इलाही बंदा चाहिए। दुनिया की हुकूमत नहीं है कि आप कुछ भी कर लें, करप्शन कर लें, जाली डिग्रियां लेके आ जाएं। इलाही सिस्टम नहीं, इलाही सिस्टम को बंदगी चाहिए। उसका स्कैनर अलग है, उसकी जो स्कूटनिंग है वो अलग है, और वो करता है और वो कर रहा है मुसलसल, और वो छान रहा है। जो इसमें छनता जाएगा वो अल्लाह के वली की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और लोग बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं खुदा न खास्ता नहीं बढ़ रहा तो इसमें मेरा अपना फॉल्ट है। ये इनफरादी इंपॉर्टेंस है जो हम सबको करनी है, चाहे हम एज के किसी भी हिस्से में हों, चाहे हम यूथ हों, चाहे हम पेरेंट्स हों, चाहे हम स्टूडेंट्स हों, चाहे हम टीचर हों, बिजनेसमैन हों, जो भी हों, हमें ये सबको करना है अपने हिसाब से। सेकेंड चीज सोसाइटी है, सोशल एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। आप अकेले कमाल पे नहीं पहुंच, आप सजदे करते रहे, तस्बीहें पढ़ते रहे, माशरे में बुराइयां हों, कितने ऐसे वाकयात हैं तारीख के कि जहां खुदा ने उन पर अजाब नाजिल किया, मलाइका ने कहा कि इसमें तो कुछ लोग ऐसे थे परवरदिगार जो तेरी इबादत करते थे, कहा इनकी इबादतों का कोई फायदा नहीं, जबकि इन्होंने उनको रोका ही नहीं जो बुराइयां कर रहे थे। तो आप अकेले अच्छे हों और सोसाइटी में आपका रोल तो नहीं। क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी फॉर्म होनी है, एक सोसाइटी बिल्ड होनी है। अब उस सोसाइटी बिल्ड होने के लिए मुझे अपना किरदार अदा करना, चाहे वो किसी भी फैक्टर या सेक्टर में हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिफॉर्म्स हो, चाहे वो फलाही इदारे हों, कुछ भी हो, मुझे सोसाइटी को भी बैक करना है ग्रेजुअली, और उसको ऊपर लेकर आना है, उसको रिफॉर्म्स देनी है, अपने शहर को करना है, अपने घर को अच्छा करना है। घर से स्टार्ट होगा, मोहल्ला आएगा, मोहल्ले से शहर, और शहर से फिर मुल्क आएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इमाम को उम्मत चाहिए, याद रखिएगा, इमाम को फर्द नहीं चाहिए। अगर उम्मत तैयार है तो इमाम आएंगे। अब ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हर्डल्स क्या हैं, और कौन सी चीज है जो इन दो एलिमेंट्स को होने नहीं दे रही है, बस मैं एक हिस्सा उस पर गुफ्तगू करूंगा कि आज फर्द को कैसे हिट किया जा रहा है, इंडिविजुअल को, और सोसाइटी को हिट कैसे किया जा रहा है। आप सब जानते हैं लेकिन बाहर एक तवज्जो और तज़क्कुर की जरूरत है। ये जो सोसाइटी आज हमें दी जा रही है, ये सोसाइटी बिल्कुल उस सोसाइटी के मुकाबले में है। वो जो इबलीस है, वो जो जिसे खुदा ने उस पर लानत भेजकर उसे अपनी बारगाह से निकाला है, वो पूरी सोसाइटी बिल्ड कर रहा है, कर चुका है। ये कभी भी अल्लाह के मुकाबले में जब आए हैं, जब इन्होंने देखा कि डायरेक्ट लड़ना आसान नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिक के मुकाबले में फिक क्रिएट की, इन्होंने सोसाइटी के मुकाबले में सोसाइटी क्रिएट की, इन्होंने हर वो चीज़ को कॉपी किया कि आप अगर सामने दीन, हाँ दीन ऐसा है, दीन चाहिए, ये दीन है, इस्लाम चाहिए, ये इस्लाम है, ऐसा इस्लाम जिसमें आपको किसी से कोई गर्जी नहीं हो, ऐसा मज़हब जिसमें आप बस सुकून करें, आराम करें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है, आप कुछ भी करें। हर दीन को ये एक नुक्ते पर ले आए। ये जो वेस्टर्न थियोलॉजी है, ये जो प्लूरलिज्म की जो गुफ्तगू करता है कि कोई भी जो है वो
एक दिन कामयाब नहीं है या कोई एक दिन बेहतर नहीं है, हिसार नहीं करता, कह रहा सब अच्छे, सब अच्छे हैं, सब अपनी अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सब नॉर्मल रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उसने इसी मतालिब को हमें मीडिया के जरिए से हमारे जहनों में पेनिट्रेट कर दिया है। आज का यूथ क्या कहता है, हमें अच्छा होना चाहिए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी मजहब हो, कोई भी रिलीजन हो या रिलीजन नहीं भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें अच्छा होना चाहिए। अगर इतना ही अच्छा हो सकता है इंसान तो खुदा 1,24,000 को क्यों भेजता, खुदा क्यों अपनी हिदायत की किताबों को उतारता जब इंसान खुद अच्छा हो सकता है। यही उसका काम है। और जो इसको सबसे शदीद तरीके से हिट कर रहा है वो दो तरीके से, एक एजुकेशन सिस्टम में पेनिट्रेशन से, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है और उसी के जरिए से वो वेस्टर्न थ्योरीज को, सारी स्ट्रेटजीज को इनडायरेक्टली आपको पढ़ाते हैं। जो आपको टीचर पढ़ाता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, आपके लिए वो टीचर होता है। अब उसका अपना अकीदा क्या है, मैक्सिमम लोग सेकुलर और लिबरल हैं जिनको दीन से कोई गर्ज नहीं। आप कहते हैं इतना बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाला लिबरल है, इतना बड़ा जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला लिबरल है, तो ये जो पढ़ा, जब मखजन कहते हैं या जर्फ आप कह लें, जब जर्फ नजिस हो, आलूदा हो, तो वो आपको दुनिया की कोई भी बात करा दे आपको नजिस करेगा। ये कभी भी उस इकोनॉमिकल सिस्टम की तरफ नहीं लेके आएगा, चाहे आप दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, जो इमाम की तरफ लेके जाएगा। ये कभी भी सोशलिज्म आपको सही नहीं पढ़ा पाएगा, कभी भी आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिकल प्लानर नहीं बना पाएगा जो उस शहर को बनाएगा। ये वो शहर बनाएगा जहां पर सिर्फ कैपिटलिज्म की थॉट्स हों, जहां सिर्फ मल्टीनेशनल रूल करती हों, जहां दुनिया का इक्तिसाद चंद हाथों में हो। ये सिर्फ ये आपको पढ़ाएगा, ये आपको यही सिखाएगा और आपको कुछ नहीं देगा। अब ये काम कैसे कर रहा है, एक तो एजुकेशन सिस्टम से आपको पढ़ाता है, आप वही फिट होकर आपके अंदर यूएसबी वही फिट की जाती है, आप उसी यूएसबी और चिप को लेके माशरे में आते हैं। जब आप माशरे में आते हैं तो ये चिप सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन में फिट होती है जो आपको आपके डिग्री खत्म होने से पहले आपको हायर करती है। और ये पूरी दुनिया का नेटवर्क, और आप भी बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मैं फलानी मल्टीनेशनल में आया, मैं फलानी आईटी कंपनी में जा रहा हूं, मैं इसमें जा रहा हूं, मैं उसमें जा रहा हूं। वो जहां आपको जाहिर में नेटवर्किंग कम्युनिकेशन ये सब आपको सिखाते हैं, बिजनेस देते हैं, वहीं पर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो आपको आपकी इंसानियत से दूर करता है। क्या करता है, आपको पार्टी में भी जाना है, आपको उठना बैठना ऐसे है, आपको सैटरडे नाइट यहाँ ऑफिसर्स के साथ जाना पड़ेगा, ग्रेजुअली वो आपको आलूदा करता है। और जब ये आलूदगी आपको दे देता है तो अब आप खुद के बोलेंगे मजहब की क्या जरूरत है, सब तो अच्छा चल रहा है, ये देखें इतना तो ये काम किया है गोरों ने, हमने किया क्या आज तक। तो वो आप जो आप जिसको सक्सेस की डेफिनेशन लेके बैठे हुए हैं वो असल में बर्बादी है, वो इंसान को गिरा रहा है। इंसान की कीमत क्या है, इंसान प्रोडक्ट है उसके नजदीक। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसका कंज्यूमर कौन है, वो आपको कंज्यूम कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यूटिलाइज कैसे करें। ये पूरा सिस्टम इमाम के मुकाबले में क्रिएट किया गया है, कोई खड़ा ना हो पाए, ना इंडिविजुअल ना कोई सोसाइटी, सोसाइटी कैप्चर है। ये काम कैसे करते हैं, एक सोसाइटी को करप्ट करने के लिए ये एक एजेंडा देते हैं, उस एजेंडे को पहले ये किसी एक प्लेटफॉर्म पर फेंकते हैं। जब वो एक प्लेटफॉर्म पर आता है तो शुरू में लोग बड़े जो है वो रिजिड होते हैं, ये कैसी बात कर दी, ये टीवी में कैसा जो है वो इश्तिहार आ गया, या ये कैसा। तो ये पहले टेस्ट करते हैं कौम कितने बड़े इंजेक्शन को तहम्मुल कर सकती है। फिर ये उसी थीम को मल्टीनेशनल को देते हैं, वही थीम मल्टीनेशनल की जो है वो
डायरेक्टर को देती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। इस थीम पे वो आपसे कमर्शियल बनाते हैं, साइन बोर्ड बनवाते हैं, प्रिंट मीडिया कंट्रोल करते हैं, वही थीम फिर गली गली कूचे कूचे में आपकी लगी होती है। अब आप खुद सोचें कि बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं, इनको बेचने के लिए खातून की क्या ज़रूरत है, और अगर खातून की ज़रूरत है तो उसकी ऐसी तस्वीर साइन बोर्ड पे क्यों है कि जिससे उस प्रोडक्ट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये पूरे माशरे को कहाँ लेके आना चाहते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं? इसका मतलब है पीछे थीम है कि गैरत ख़त्म कर दो, इनकी गैरतों को फना कर दो। तब जब ये उससे करते हैं तो फिर उसके बाद ये बड़े बड़े जो इन्होंने आइकन्स क्रिएट किए हुए हैं रोल मॉडल, उनके ज़रिए से एक या फिल्म बनाते हैं या फिर ये टीवी सीरीज या कोई सीजन क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर वही बात कोई नॉर्मल बात कहेगा आप इनकार कर दोगे, लेकिन वो जो आपका हार्ट थ्रोब है जिसके लिए आपकी धड़कने धड़ती हैं, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो फुटबॉलर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो सिंगर है, जब आप उसको इतना फॉलो करते हैं और जब वो कोई गलत काम करता है, बेहयाई करता है, बुराई करता है, आप एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उससे मोहब्बत हो चुकी होती है। यही इन्होंने किया, बेहयाई को, बुराई को, नामहरम ताल्लुकात को, हराम रिलेशनशिप्स को पहले इन्होंने टेस्ट किया। इंडिया में सिनेमा जल गए कि जब इन्होंने जो है वो इस तरह की गुफ्तगू की। उसके बाद इन्होंने सोसाइटी में ऐसा काम किया कि वो करैक्टर कि जिसको सब सुनते हैं उनके जरिए से इन करैक्टर को दिया। अब इंडिया की मशहूर फिल्में हैं, मुझे परल नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं देखते होंगे, दूसरे लोग देखते होंगे, वो करैक्टर कि जो हर आदमी पसंद करता है उसके जरिए से ट्राइंगल लव स्टोरीज को लेकर आए सोसाइटी में। आज वही ट्राइंगल लव स्टोरीज आज हमारे ड्रामों के अंदर है जिसे हम लोग खुद बना रहे हैं, और पूरी फैमिली बच्चों समेत बैठी हुई हराम ताल्लुकात देख रही है और खामोश बैठी है। वो टर्की के जो अपने आप को इस्लाम का दावेदार कहने के लिए आपसे उर्तगल सीरियल आपको दिखाया, उस मुल्क में आप जाके उतर के एयरपोर्ट से उतर कर देखें कौन सा इस्लाम है वहां। वो जो कितने इन्होंने इश्के नाम है, नाम आप सोचें, जब नाम इस्लाम की हदूदों को तोड़ रहा हो तो ये क्या चाहते हैं आपकी सोसाइटी से? ये चाहते हैं कि सोसाइटी आलूदा हो, नजिस हो। अगर आप कहते हैं कि जी माशरे में बुराइयां हो रही हैं हम दिखाएं नहीं, तो सोशलिस्ट ये कहते हैं कि हर बुराई मजमाए आम में या चौराहे में खड़े होकर हल नहीं की जाती, इलाही निजाम बुराइयों को नीचे करता है। कितना मशहूर वाक्य है, खातून आई अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलातो सलाम, इमाम की खिदमत में आई, कहा कि मुझसे गुनाह हो गया। क्या कहा? मुझसे जना। इमाम ने कहा जाओ जाओ अस्तगफार करो, कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा आई, कहा मुझसे हो गया है। कहा मैंने कहा ना किसी को जिक्र करने की जरूरत नहीं है, अस्तगफार करो, खुदा माफ करने वाला है। फिर आई, जब तीन दफा हुज्जत हो गई तो हद जारी हो करना, इमाम थे। इमाम ने कहा मैंने चाहा तुम्हें टालूं, खुदा रहमान है, जब गलती हो गई इस्तगफार करो, इस बुराई का जिक्र मत करो। इस्लाम यही सिखाता है। इस्लाम क्यों इतनी सख्त जो है वो चीज को कर रहा है? क्योंकि जब आप बुराई को सड़क पे लाकर बयान करेंगे, कुछ बुराइयों को, उसके खात्मे का कोई और तरीका है तो माशरे में बुराई क्या करेगी? मैं बहुत नीचे नहीं उतर सकता जाने मोहतरम जो हॉलीवुड कर रहा है या बॉलीवुड कर रहा है, और अभी तो वैसे भी कोविड के सारे सिनेमा बंद हैं, लेकिन उन्होंने काम बंद नहीं किया। नेटफ्लिक्स ने कोविड में जो अपनी यूजर इंक्रीज किया और जो बिलियन डॉलर बिजनेस किया, और अमेजॉन प्रीमियर ने और जी ने सब वेब पे लेके आ गया है, सब वेब सीरीज पे, और मिलियन व्यूज कुछ घंटों में। क्यों? क्योंकि क्वारंटाइन करके लोगों को घरों में बिठाकर
उनके जहनों को कंट्रोल किया है उन्होंने। 4 बिलियन मिनिमम लोग क्वारंटाइन हुए। ये कैसे हो सकता था कि रातों रात दुनिया के एयरपोर्ट बंद हो जाए, दुनिया की सारी चीजें एक साथ बंद हो जाए? प्लान था, इतना प्लान सिस्टम। बीमारी का आप इनकार नहीं कर सकते कि बीमारी नहीं है, आप बोले नहीं बीमारी नहीं है, वबा है, मैन मेड है या वबा है? खूब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वबा वजूद रखती है, बीमारी वजूद रखती है, बहरहाल लोग मर रहे हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने पहले ही से डिजाइन कर लिया है। अब ये मारते नहीं है, अब ये बायोलॉजिकल वेपन यूज करते हैं। वो जिसने हजरत यूसुफ बनाया था डायरेक्टर, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उसका पूरा सीरियल रेडी था, जिसमें 500 करेक्टर के सिर्फ डायलॉग्स थे, सब रेडी था। और वो उसने आना था, उसने बनी इसराइल के इसको, जो आज बनी इसराइल अपने आप को कहता है, उखाड़ फेंकता। उसको कैंसर हो गया, और जब आखिरी वक्त था तो उसने अपने करीब लोगों को ये कहा कि मुझे कैंसर इंजेक्ट किया गया है, बायोलॉजिकल वॉर। बड़े बड़े मैं नाम आप लोग जरूरी नहीं है, खुद उन्होंने कहा कि हम ट्रेवलिंग पे गए, हमारा बैग गायब हो गया, बैग वापस आया, हमने अपने कपड़े पहने, खांसी शुरू हुई, और करते करते हार्ट फेल हो गया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंदर आर्टिफिशियल बैटरीज लगाकर हार्ट को रन किया हुआ है। दुश्मन खामोश नहीं है, दुश्मन अपना तरीका बदल चुका है, वो जहनों को कब्जे में चाहता है। उसे आपके मुल्क शहर नहीं चाहिए, आपके मुल्क शहर को बर्बाद करने के लिए तो उसके कारिंदे आपके मुल्कों में वैसे ही बैठे हुए, उसको आपका जहन चाहिए। वो जहनों को बर्बाद कर रहा है। जितनी उसका सिस्टम है, चाहे वो टीवी सीजन्स हों, चाहे वो एनिमेशन्स हों, चाहे वो गेम हों, इन सब के जरिए से उसने आपको कैप्चर किया हुआ। आज मैक्सिमम हर घर, कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास आज, या हम विक्टिम बन जाएं, या हम सोल्जर बन जाएं, दूसरा कोई हल नहीं है। आप बोलेंगे जी मैं सोल्जर नहीं बन सकता, तो फिर आप विक्टिम हैं। क्यों? क्योंकि आपको शिकार कर रहा है। वो क्या करता है उसको, वो उसने जाहिर है, हम हमारे यहां तो देखें, हमने तो मजहब को सिर्फ यही समझा कि मजलिस हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, काफी है। मजहब पूरी जिंदगी पे मुहित है। जो मजहब आपको सोते वक्त करवट भी बता रहा हो, वो कहां पहुंचा हुआ है? जो मजहब आपको लेन देन बता रहा हो, जो मजहब आपको सफर के तरीके बता रहा हो, जो मजहब आपको हर चीज इतनी जो आपकी जिंदगी में है, खाने से लेकर उठने से बैठ, कोई जगह मजहब नहीं छोड़ा, तो हमने मजहब को क्यों सिर्फ इन चंद जगहों पर कन्फाइड कर दिया? हमारे पास उसके अलावा मजहब की गुफ्तगू क्यों नहीं है? मजहब शहर कैसा चाहता है, मजहब रिलेशनशिप कैसा चाहता है, रिसाला हुकूक कहाँ है हमारी जिंदगी में जो हमारे चौथे इमाम ने हमें दिया? हमारे घरों में तो उसको सोने सोने से नहीं तो कम से कम हमारे घरों में लिखा होना चाहिए था कि बाप के हुकूक क्या है, माँ का हुकूक क्या है, मियाँ बीवी के हुकूक क्या है। जब आप उसको बार बार उस बिल बोर्ड को देखेंगे घर के अंदर, तो आप अपने घर में सही रहेंगे। इस्लाम आपको जब इतनी फ्लोरिश देता है, कुरान जब आपको हदीस और सुन्नत इतना कह रही है, बैठो कैसे, उठो कैसे, मामले कैसे करो, बातें कैसे करो, तुम्हारा इखलाक सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। बहरहाल अभी जो है वो हमारे दोस्त ने जिक्र किया, उस्ताद इखलाकों के उस्ताद का, कि हम दुनिया में दुनियावी उलूम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन अपने रूह के उस्ताद को नहीं ढूंढते। और आयतुल्लाह मुल्ला अहमद नराकी, जो मुल्ला मेहदी नराकी के वालिद थे, जिन्होंने किताब मेराजो सादा, जो हम पढ़ते भी हैं, इखलाक की किताब है, असल में ये किताब है खुलासा उस किताब का जो जामे व सादा थी। वो किताब अरबिक में लिखी गई थी और उस वक्त उस किताब ने हौजे में बड़ा ब्लास्ट किया था इखलाक के हवाले से। जो वो कहते हैं कि जब ये इराक आए नजफ ज्यारतों पर, तो लोग इनसे मिलने आए क्योंकि इनकी किताब बहुत फेमस थी इखलाक के ऊपर। सिर्फ एक आलिम मिलने नहीं आया, तो इन्होंने कहा कि मैं खुद चलता हूं। उन्होंने कहा अगर
हर कोई आपको मिलने आया है, ये नहीं आया आप क्यों कह रहा नहीं, फर्क नहीं पड़ता कौन मिलने नहीं आया। सैयद मेहदी बहरुल उलूम कि जो खुद जो है वो बहर था उलूम का, नहीं आया, ये खुद मिलने गए, वो दर्स दे रहे थे, ये बैठे, दर्स ख़त्म हुआ, उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी, ये भी चले गए। कुछ दिन गुजरे, इन्होंने कहा कि मैं दोबारा चलता हूँ, साथ में थे, कहा आगा आपको उनको खुद आना चाहिए, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चला, गए मिलने, फिर वो दर्द दे रहे थे, दर्द ख़त्म हुआ, उठ के आ गए। ये फिर बाकी ज्यारतों पर गए, अतबात की, और फिर वापस नजफ आए तो कहा मैं एक और दफ़ा, कहा आगा बस कर दें, कितना अपने आप को दबाएंगे, कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही सैयद को पता चला कि ये आ रहे हैं, तो ये गली के कोने तक बगैर अपने जूतों के दौड़ते हुए आए और इनको लेकर गए, बिठाया, फिर इनसे कहा आप पूछेंगे नहीं कि आप दो दफ़ा आए मैंने आप पर तवज्जो नहीं दी, कहा क्यों, कहा मैं ये देखना चाहता था कि जो इखलाक की किताब आपने लिखी है ये इखलाक आप में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। अजीजा ने मोहतरम, जाहिर है अब ये उस्ताद थे, ये अब यही चीज जो है ना वो कोर है, हीरा है, अगर ये आपके अंदर है तो आप दुनिया के सारे काम सही करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं है तो आप कोई जगह पहुंच ही नहीं सकते। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थिंक टैंक बनाएं, क्रिएट करें मुख्तलिफ। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई आदमी काम शुरू करता है, कहता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। इमाम को स्पेशलिस्ट चाहिए, भाई आप एक काम फोकस कर, और हर इदारा, सारे इदारे सारे काम कर रहे हैं, आप अगर एक इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं तो आप उस इंस्टीट्यूशन का विजन मिशन क्या है, और क्या आइदर हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या आर दे आर स्क्रूटनाइजिंग देमसेल्फ कि वी आर रीचिंग दैट विजन और मिशन और नॉट। क्या हमारे 6 महीने शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव हुए, वी हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, क्या हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमने इदारों को किस पर खड़ा किया हुआ है, इदारे सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, इदारे अफराद से बनते हैं। क्या हमारे पास ऐसे अफराद हैं कि जो बियॉन्ड द लिमिट्स सोचते हैं, जो सोचते हैं कि हम आसमानों पे परवास कर सकते हैं। जब आप सोच, आप काम ही नहीं कर सकते जब आपकी निगाहें महदूद हों, जब आप दुनिया को उस ऐनक से देखेंगे जिस ऐनक को बनाया ही किसी और ने, तो आपको तो कभी नीला नजर आएगा, कभी पीला नजर आएगा। आप जब तक अपनी बातिन की आंख को खोलेंगे नहीं तो आप कैसे उसके जमाल को देखेंगे जो हर जगह है। और ये जमाल, ये खूबसूरती, ये जेबाई कि जिसे परवरदिगार कुरान में सिर्फ एक जगह इस्तेमाल करता है, जमाल सिर्फ एक जगह इस्तेमाल है कुरान में, कहां पर है, उसके लिए कि जब ये रेवड़ भेड़ों का जब चाहता है, जब चलता है, उसके चलने की डायरेक्शन के लिए खुदा जमाल इस्तेमाल, क्यों, कहा ये सुबह जाते हैं और फिर ये रात को पलटते हैं, क्या चीज है इनके अंदर, क्यों हर नबी को चरवाहा बनाया परवरदिगार ने, पैगंबर भी आखिरी नबी भी जो है वो चराते, क्यों, क्योंकि इनके चलने में एक क्वालिटी है, ये अपने लीडर की इत्तेबा करते हैं। आप भेड़ को एक को भेज देना और नीचे खाई हो, ये सारे नीचे गिर जाएंगे, क्यों, ये अपने हेड की इत्तेबा करते हैं। और यही खुदा कह रहा है, ये सुबह इनके निकलने में और शाम को इनके पलटने में जमाल है। इस जमाल को पहचाने कि आज हम जो काम भी करना चाहते हैं, चाहे वो काम किसी भी हवाले से हो सोसाइटी के लिए, हमारा लीडर कौन है, हम किसको फॉलो करते हैं,
हमें कौन डायरेक्शन दे रहा है, हम किसे डायरेक्शन, क्या खुद साख्ता है, क्या हम इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि हम इस मलाकूत को देखें। हम मलक में फंसे हुए हैं, हमें मलाकूत में जाना पड़ेगा। जब तक हम मलाकूत में नहीं पहुंचेंगे, हम कैसे समझेंगे कि जो मेरा काम है इसका नतीजा क्या है। और ये जो लोग हैं जो चला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये एट द सेम टाइम आलम बरज़ख को देख रहे हैं, इसलिए इनको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए इनको कोई खौफ नहीं है। आप शहीदों की मिसाल देखें, कैसे कैसे शहीद गुजरे हैं कि जो दूर देख रहे हैं, यानी अपनी शहादत से पहले बता रहे हैं शहीद कहाँ होंगे। एक शहीद इस्फान का एक दफ़ा छुट्टी आया और अपनी जौजा को बोला कि सिर्फ मेरा पाँव देखो गौर से। वहाँ देखती रही, कहा जब ब्लास्ट हुआ जंग में तो सिर्फ पाँव सालिम था, यानी जानता था पाँव बचेगा, सिर्फ कैसे देख रहा है। इसका मतलब है कि किसी और आलम में है। एक शहीद आया जो बीबी जैनब सलाम अलैहा के हरम का दिफा किया, बीबी के हरम के पास एक दफा आया, एक ही बेटा था, मोहल्ले वाले पहचाने नहीं, उसके चेहरे पर इतना नूर था। जब वापस जाने लगा तो माँ ने बोला बेटा एक ही औलाद है। बीवी ने बोला कि नई नई शादी हुई है, औलाद होने वाली है, बच्चा कौन पालेगा। तो माँ को बोला कि जब मैं छोटा था मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मुझे किसने पाला। कहा जिसने मुझे पाला इसको भी वही पालेगा, लेकिन मैं अपने वजीफे पे हूं। उसका वजीफा वही था। आज मेरा वजीफा क्या है अजीजान, मैं बस शॉर्ट लिस्ट करता हूं। क्या आज सोशल प्लेटफॉर्म्स या साइबर वर्ल्ड, आप सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म ना बोले, आप साइबर वर्ल्ड बोले इसे। हमारे नजदीक जब हम कहते हैं ना सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए, तो हम समझते हैं सिर्फ फेसबुक पे पोस्टें लगानी है, यूट्यूब पे अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे शेयर। नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म है, साइबर वर्ल्ड, यानी आइदर वी आर क्रिएटिंग एनी प्लेटफॉर्म या आइदर वी आर क्रिएटिंग एनी साइबर स्पेस कि जहां हमारा डाटा सिक्योर हो। क्या हम सोर्स कोडिंग सीख रहे हैं, क्या हम एप्लीकेशनों को डिजाइन कर अपने वजूद का हवा में इजहार कर रहे हैं, क्या हमारे पास कंट्रोल्ड सिस्टम है कि हम फिल्टर कर सकें चीजों को अपने बच्चों तक, हमने बनाया है कोई कंट्रोल। कितने हमारे पास एप्लीकेशन डिजाइनर्स हैं, कितने हैं, क्या आज तक हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई कि ये हमारे बच्चे जो यूज करते हैं उस फोन में एक ऐसी एप्लीकेशन हो जाए कि जो गलत चीजें हैं वो आए ना, खुले ना, हमने फिल्टर बनाया आज तक ऐसा। तो हम साइबर वर्ल्ड को समझ नहीं रहे, वो अपनी हुकूमत कर रहा है और हम उसकी हुकूमत में खेल रहे हैं। हमें काम की जरूरत है जानो, ये पहला है, ये सबसे बड़ा एरिया काम का यही है। फिर इसी एरिया को कवर करने के लिए आपको कंटेंट राइटर चाहिए, आपको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, आपको एडिटर चाहिए, आपको डायरेक्टर चाहिए, आपको स्टोरी राइटर चाहिए। आज आपका बच्चा कौन सी स्टोरियां देख रहा है। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो बच्चों को कंट्रोल कर रही हैं, जिसमें टॉप पर मार्वल है, फिर डिज्नी है और फिर डीसी कॉमिक्स है, ये तीन कंपनियां कई डिकेड से बच्चों को कंट्रोल कर रही है। पहली सबसे डीसी कॉमिक्स है जिसने 1935 में सुपरमैन का कॉमिक्स क्रिएट किया, 1935 में सुपरमैन कौन है कि ये तुम में से नहीं है, ये कहीं और से आया है, तुम्हें नहीं है। और ये अपने आप को ये कहते हैं वी आर चोजन वन, वी आर नॉट फ्रॉम यू, ये उनकी निशानदेही करता है। पहला करैक्टर यही है। फिर उसके बाद डिज्नी ने अपना किरदार अदा किया और वो जानवरों की शक्ल में उसने खेला। आपका बच्चे का, आपका बच्चा जो है वो हाइपर है, आपको पता ही नहीं है, वो टॉम एंड जेरी देख के हाइपर हुआ हुआ है।
अब वो कैसे कैसे किरदारों को जोड़ रहा है, वो टॉय स्टोरी दिखाकर वो चीजें जो आप फिल्म में देखना पसंद नहीं करते, वो टॉय स्टोरी कार्टून में आपके बच्चे को दिखा रहा है। मोहब्बत कैसे की जाती है, लव स्टोरियां कैसे चलती हैं, टॉय स्टोरी सिखा रहा है। आपको पता ही नहीं है, कार्टून देख रहा है बच्चा। तो उससे बड़ा जो काम किया है आज कुछ सालों में, वो मार्वल ने किया। मार्वल इतने करेक्टर लेकर उतरा है और हर रीजन में उसका करेक्टर अलग है। उसने हिंदुस्तान को डीसी कॉमिक, डिज्नी ने भी छोड़ा नहीं, उसने चाइना, साउथ एशिया को, उसने अफ्रीका को, उसने यूएस को, यूरोप को, सबको उनके हिसाब से करेक्टर दिए, और वो करेक्टर बच्चों को कैप्चर करता है। और फिर उसके बाद आपका बच्चा कहाँ जाता है आपको नहीं पता, क्या कर रहा है, तीन उसूलों पर अमल कर रहा है। मैं बहुत तेजी से, क्योंकि वक्त मेरा क्वेश्चन आंसर का भी है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जिस पर वो काम कर रहा है, हमें काम की जरूरत है। पहली चीज, बच्चे को रोल मॉडल चाहिए। रोल मॉडल बच्चे की रिक्वायरमेंट है। आप और मैं अगर उसे रोल मॉडल नहीं देंगे तो वो बेंटन, वो कैप्टन अमेरिका और वो इन सारे आयरन मैन, ये सब उसके रोल मॉडल। इसी के उसको कपड़े चाहिए, इसी के उसको बैग चाहिए, इसी के उसको गैजेट चाहिए, यही सब चाहिए। लड़कियों को फ्रोजन की जो प्रिंसेस हैं वो उनकी रोल मॉडल है। वो उसी की थीम पे माँ बाप सालगिरह करवाते हैं, बच्चों की बर्थडे होती है, थीम कौन सी हो जी, फ्रोजन की थीम हो। फ्रोजन का करेक्टर क्या है, ट्राइंगल लव स्टोरी, हराम ताल्लुकात। आपको पता ही नहीं है, आप किताबों के ऊपर भी उन्हीं की तस्वीरें चाहिए। जब आप बार बार देखेंगे तो असरात तो मुरतब होंगे आपके ऊपर। इस्लाम आपको क्या दे रहा है, कुरान आपको क्या रोल मॉडल दे रहा है, करबला आपको क्या रोल मॉडल दे रही है। मगर क्या आज हमारा जवान अली अकबर बनना चाहता है, क्या आज हमारा जवान हजरत कासिम की तरह अपने बदन के टुकड़े कराना चाहता है, तो इसका मतलब है हमने रोल मॉडल दिया ही नहीं। आज हमारे बहनों के लिए, बेटियों के लिए, क्या वो बच्चियां जो करबला में थीं, या वो माएं, वो बहनें जो करबला में थीं, वो रोल मॉडल हैं? हमें तो, हम हुदूद को समझ नहीं पा रहे, वो हुदूद तोड़ रहा है। दूसरी चीज, बच्चे को स्टोरी चाहिए। बच्चे को सीधा सीधा दर्श नहीं चाहिए आपका। आप बच्चे को वही बात स्टोरी में कहेंगे, उसकी समझ में आ जाएगी। बच्चे इतने तेज हैं, जब रात को आप, हम भी बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, दो बहन भाई थे, वो ऐसे थे, वो अमल नहीं करते थे, फौरन कहते हैं ये हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। बच्चे भी जाहिर है आजकल, आप उसको स्टोरी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टोरियां बनाई, एनिमेशन स्टोरीज, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। क्या हम स्टोरीज दे रहे हैं? सोसाइटी में बच्चों को कैसे रहना चाहिए, बच्चों को हमसायों का एहतराम कैसे करना चाहिए, बच्चों के अंदर हसद नहीं होनी चाहिए, बच्चों के अंदर गीबत नहीं होनी चाहिए, बच्चे अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। हम स्टोरी बना रहे हैं, कर रहे हैं लोग काम, लेकिन बहुत लिमिटेड है। हमें इस पर कितना काम है, कितने हमारे यहाँ स्टोरियाँ लिखी जा रही हैं। अब तो मुझे तो नहीं लगता, जब हम छोटे थे तो वो इमरान सीरीज वाले डाइजेस्ट वाइजेस्ट आते थे, अभी तो कोई तखयल आती है ही नहीं। अशफाक अहमद, खुदा बहरहाल उन्हें गरी के रहमत करे, कि किन बड़े बड़े मौजूआत को अपने उन दरसों में, कि जिस पर बाद में बहरहाल जो है वो ड्रामे भी बनाए गए, कैसे कैसे किरदारों को अंदर अल्फाजों में चुन कर चले गए, कैसे कैसे किरदार कहाँ हैं आज हमारे पास, कहाँ हैं ऐसे राइटर, कहाँ हैं ऐसे लिखने वाले। वो जो थोड़े बहुत ही रह गए वो बुजुर्ग ही हैं बस, आखिरी वही। और हमारे पास क्यों नहीं, हमारी नई जनरेशन तंजो मजा के अंदाज में माशरे को डायरेक्शन दे रही है। तंजो मजा भी देखें तो बिल्कुल घटिया, इंसानियत से गहरा हुआ जो आज हमारा टीवी दिखाता है, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, ये तरबियत नहीं है। माशरे की इसलाह की जरूरत है, चाहे वो टीवी चैनल्स हो। हम ही लोग काम करते हैं, कोई स्पेस से उतर के तो इन टीवी चैनलों में भी काम नहीं करता। हमें खुद बताओ कि माशरा कहाँ लेके जा रहा है, मीडिया साइंस की असल रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरी और आखिरी चीज, बच्चा इनडायरेक्ट अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहता है। बच्चा आपसे सवाल नहीं कर सकता, बच्चे के पास बाज़ोकत लफ्ज़ नहीं है
आपसे सवाल करें, लेकिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाबों को मीडिया दे रहा है, आपको नहीं पता। ये जो आज बच्चा इतना हाइपर, इतने अपने पास लॉजिकल रीजंस लेके बैठा है, आज हमारे जवान एथियस्ट होते जा रहे हैं, वो फैशनेबल हैं। जी हम तो एथियस्ट हैं, हम तो सेकुलर हैं, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उसके सवालों के इनडायरेक्ट जवाब बच्चा दे रहा है। अब एक सवाल बच्चों के जहन में आता है कि बहरहाल जो है वो हम कहाँ से आए, तो आप कहते हैं ऊपर से आए, आसमान से उतरे, यही कहते हैं। वह क्या बोलेंगे बच्चों? तो बाद बच्चे भी कहते हैं कि भाई एक और को भी उतरवा दें, देर हो गई है बहुत ज़्यादा। अब ये जहन में बच्चे के सवाल है। अब आप डिज्नी पिक्सार ने 5 मिनट में इसका जवाब बच्चों को दिया है। एक कार्टून 5 मिनट का उसने बनाया। बच्चे कहाँ से आते हैं? उसके जहन में आसमान से। आसमान से वो परिंदे अपने चोंचों में थैलियाँ लेके जैसे ही खोलते हैं, कुत्ते के घर में कुत्ता, बिल्ली के घर में बिल्ली, हाथी के घर में हाथी, और फिर इंसान के घर में इंसान। बच्चा कहता है कि हाँ ये माँ बाप सही कहते हैं, ऊपर से आता है। ऊपर क्या है? परिंदे ऊपर उड़ते हैं, देखता है कि हर बादल एक खुदा है जो क्रिएट कर रहा है। यानी उसने आपके बच्चे की तौहीद 5 मिनट में तबाह कर दी। क्यों? हर मखलूक का खालिक अलग है। अब आप तौहीद के लेक्चर देते रहे बैठ के, पढ़ाते रहे, उसने 5 मिनट में आपकी तौहीद उखाड़ दी। कितने खुदा, वो देखता है हर चीज का अलग खुदा है। फिर जो खराब चीजें हैं, यानी जो जाहिरन नुकसानदेह हैं, वो जानवर जो गंदे हैं, नुकसान देते हैं, उनका खुदा का रंग अलग है। कौन है? काला बादल। अब जब वो काला बादल गुस्से में आता है तो बारिश होती है। कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। हम क्या कहते हैं? रहमत इलाही है। 2-5 मिनट में उसने आपके अकीदे को, आप पढ़वाते रहे दुनिया जान की मजलिस से, उसको तो यही जवाब है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, इन 3 सेक्टर्स पे हमें काम की जरूरत है, और ग्रेजुअली जरूरत है। वी हैव टू डिजाइन करेक्टर्स। आप करेक्टर, आप तखय्युल मना नहीं है, विजुअलाइजेशन मना नहीं है। आप जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे, आप नई चीज बिल्ड नहीं कर सकते। मैं ये विजुअलाइज ना करूं कि मैं एक रोबोट बनाऊं जो उड़ता हुआ आए और जिसने क्वेश्चन देना है उससे पेपर लेकर मुझ तक आए। ये मेरी विजुअलाइजेशन है। जब तक ये विजुअलाइजेशन नहीं करूंगा, मैं ऐसा रिपोर्ट नहीं बना सकता। विजुअलाइजेशन मना नहीं है, लेकिन ये विजुअलाइजेशन, ये फिक्शन जिसे आप फिक्शन कहते हैं, ये फिक्शन मुझे कहां लेके जाएगा? वी हैव टू वर्क ऑन दैट। हमें फिक्शन स्टोरीज चाहिए कि इमाम जमाना के लिए ऐसा जवान हो। कैसा जवान हो? देखने में कैसा हो? इखलाक कैसा हो? उसके पास गैजेट्स कैसे हो? उसके पास टेक्नोलॉजी कैसी हो? यू हैव टू क्रिएट इट। आज वो क्रिएट कर, आज वो ट्रांसफॉर्मर को रिबोट बनाता है, गाड़ी बनाता है, ले आता है। अब आप भी वही ढूंढते हैं कि मेरे पास भी यही हो। आज वो आयरन मैन को पता नहीं कितना गैजेट्स बनाया, उसने हवा में उड़ा देता है वो। लेकिन वो क्या कर रहा है? क्या वो इमाम का इंतजार कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ अपनी सोसाइटी बिल्ड कर रहा है, और वो अपनी सोसाइटी की तरफ लेकर जा रहा है। बहुत डीप रूट काम है। वो एक फ्रेम पर इतनी इन्वेस्टमेंट करता है कि कलर, लाइट्स और साउंड इंसान को इफेक्ट करती है। हम तो बहरहाल ही आपका ऑडिटोरियम तो है माशाल्लाह बहुत बेहतर है, वरना हम मजहब के लिए सस्ती चीज, फ्रेम कैसा हो, कलर कैसे हो, लाइटिंग कैसी हो, चीजें खूब, ये आज के जवान को अट्रैक्ट करती हैं चीजें। अगर आप ये बिल्ड नहीं कर पाए तो ये किसको फॉलो करेगा? ये वहीं जाएगा। आर वी क्रिएटिंग एनीथिंग? अगर हम स्पोर्ट्समैन भी बना रहे हैं तो क्या ये स्पोर्ट्समैन अव्वल वक्त नमाज की कोशिश करता है? क्या ये स्पोर्ट्समैन दूसरों की हेल्प कर रहा है? क्या ये स्पोर्ट्समैन कोई इलाही पैगाम दे रहा है? हमारे यहां तो बहुत होता है, तो तबलीगी जमात उनको
दाढ़ी वाड़ियाँ बना के बेचारों को बाहर निकाल देती है, भाई उसको वहीं रखे, वहीं तबलीग करे। और जो उसका रिफॉर्म है, जिस तरह उसका फॉर्म है उसी रूप में तबलीग करे भाई। उसको अगर आपने आपने उसकी शक्ल ही तब्दील कर दी तो वो उनमें नहीं रहा फिर। फिर ये फिर दोबारा बच्चे वही CR7 को फॉलो करेंगे जो रोनाल्डो का ब्रांड है, और फिर जब वो उसको फॉलो करेंगे तो वो फिर रोनाल्डो को देखेंगे, वो सुबह क्या करता है, वो शाम क्या करता है। क्वारंटाइन में जितना उसका इंस्टाग्राम का व्यू था किसी का नहीं था। फुटबॉल नहीं हो रहे थे, पूरी दुनिया फुटबॉल की क्रेजी है। वो सुबह उठता कैसे है, वो जॉगिंग कैसे करता है। उसने पूरा जजीरा खरीदा हुआ है, एक उसका घर नहीं है, आइलैंड पे रहता है वो, और आइलैंड उसका अपना है। हर तरह की फरारी उसके पास है, हर तरह की उसके पास अपना वॉकिंग पूरा सब उसके पास है, इज नो वन देयर। और वो जैसे चाहता है दुनिया को दिखाता है, दुनिया उसको फॉलो करती है। ये एक करेक्टर है जिसे बिल्ड किया गया। कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिकल गेम है दुनिया की, लाखों लोग स्टेडियम में जमा होते हैं, लाखों लोग, लाखों, आप उसके प्रोटोकॉल देखें दुश्मन के, लाखों लोग स्टेडियम में जमा है और करोड़ों लोग घरों से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ले लाभ। तुम अपनी जिंदगी को खेल कूद, स्पोर्ट्स बुरी नहीं है, यानी स्पोर्ट्स बॉडी के लिए अच्छी है, लेकिन प्रोटोकॉल देखें आप उसके, कैसा पूरी दुनिया को उसने किया हुआ है। हमने क्या किया आज तक, हम क्या कर रहे हैं अपने आप को, जो कहते हैं बेहतरीन मजहब है दुनिया का इस्लाम, व्हाट वी हैव प्रोटोकॉल्स, हम कहां, हम मुल्की सतह पे व्हाट वी आर क्रिएटिंग, हमारे पास क्या है, हमने क्या बनाया आज तक कि दुनिया को बोलेंगे भाई हम लोगों ने भी कुछ बनाया। वो एटम बम किसी ने बनाया था, वो हम उसी पर नाज आए बस आज तक। वो भी ना होता तो हमारा पता नहीं क्या होना था आज। वो भी जिन्होंने बनाया, बेचारों के साथ हमने क्या हाल किया, मोहसिन मिल्लतों के साथ भी हम पता नहीं कैसे हैं। व्हाट वी क्रिएटेड नाउ, आज हमारे पास अगर हम इस सेक्टर में भी देखें तो व्हाट वी हैव डिफेंसिव सिस्टम, क्या हमारे पास लेटेस्ट है आज, क्या हमारे पास। उसके अलावा चले जाए आप, हम अच्छा कपड़ा बना सकते थे, हम अच्छा कपड़ा बनाते थे, जब धागे को निकलने दिया गया पाकिस्तान से, सारा सेक्टर उठ के बांग्लादेश चला गया कहीं, आपने क्यों अपना धागा मुल्क से निकलने दिया, दुनिया का ब्रांड आपके ऊपर झुका हुआ था, कौन बताएगा ये। ये जो बहरहाल ना जिनको दुनिया का पता ना जिंदगी का पता, उनको जब आप हुक्मरान बनाएंगे तो वो ऐसे फैसले करेंगे आपके साथ। तो आज हमें हर सेक्टर में अजीजाने मोहतरम जरूरत है, और अगर ये हमने किया तो फिर हम इमाम तक पहुंचेंगे। इमाम तक पहुंचना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बस एक आखिर में एक अब्दाल का वाकया आपकी खिदमत में, कि एक शख्स जिसकी औलाद नहीं होती थी, उसने बहुत तवस्सुल किया, सब दरवाजे खटखटाए, सब ज्यारतें कर ली, नहीं, आखिर में बहरहाल वक्त के इमाम से मुत्तसिल हुआ। बहरहाल उसे पैगाम दिया गया, फलाने शहर में जाओ, फलानी जगह फलानी दुकान है, उस शख्स के पास जाओ, वो तुम्हारी मुश्किल को हल करे। ये ढूंढता ढूंढता गालिबन तबरेज़ का वाकया है या शिराज़ का, ये वहाँ पहुँच गया। जब इसने पूछा, देखा एक छोटी सी दुकान है जो तोलाइयाँ सीता है, ये जो आप लिहाफ वगैरह कर उसको सीता है, छोटी सी दुकान। ये पहुँचा, ये जैसे ही आया उसने इसके नाम से पुकारा इसको और कहा कि जाओ तुम्हारी मुश्किल हल हो गई। कह रहा है क्या मतलब, कह रहा हाँ ये मुश्किल थी ना हो गई, जाओ। उसने बोला मैं आ गया हूँ तो थोड़ी देर तो रुकूँ, अगर आप इजाज़त दें। कहता हाँ रुक जाओ। ये देखना चाहता था कि ये शख्स इतना सादा क्या है इसमें कि इमाम ने मुझे इसके पास भेजा है। कहा मैंने रात गुजारी, उसने कहा देखो मेरा दस्तरखान कोई बहुत बड़ा नहीं, तो रोटी और दही खाता हूँ। तो खाओ, कहा
कहा मैंने खाई, मैंने ऐसा खाना नहीं खाया था कभी। फिर मैं रात हुई तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मेहमान का हक होता है मेजबान पर, मुझे ये बताओ तुम इस मकाम पे कैसे पहुंचे। उसने बोला भाई छोड़ो तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा काम हो गया तुम जाओ। कह रहा नहीं, कहा मैं किसी से नहीं कहूंगा मुझे ये आप राज बताएं। तो कहता है कि भरा मेरी यही छोटी सी दुकान, कह रहा है सामने मेरे उस टाइम पे जो हाकिम था वो खासिब था, जालिम था, उसका कोई अफसर था, उसका जो निगेबान था वो एक लड़का, वो आता था मेरे पास, उसने मुझे कुछ गंदुम दी थी या पैसे दिए थे, कहा कि मैं उस जालिम हुक्मरान के एक मुलाजिम की नौकरी करता हूँ, मैं उसकी घर की गंदुम नहीं खाना चाहता, मुझे तुम रोटी बना दिया करो मैं तुम्हारे पास खाऊँ। कहा वो करता रहा करता रहा, एक दिन मेरे पास आया और कहा कि मैं शायद कुछ दिन ना आ पाऊँ। कुछ दिन गुजरे वो मरीज हो गया, मैं परेशान हुआ, मैं जब गया तो देखा उसको मस्जिद में पाया, मस्जिद में बीमार था। उसने बोला कि भर थोड़े दिनों बाद तुम्हारे पास दो लोग आएंगे, उन दो के साथ आकर मेरा गुस्ल कफन का इंतज़ाम कर देना, मेरा वक्त करीब आ गया। इसने बोला कैसी बातें कर रहे हो। कह रहा हाँ जी यही हुआ, कुछ दिनों बाद दो लोग आए जिसे ये नहीं जानता था, इसे ले गए, उसका गुस्ल कफन का इंतज़ाम किया, रात गुजरी। कहता है उन दो में से शख्स मेरे पास आया, कहा तुम्हें किसी ने बुलाया है। कहा मैं उनके साथ शहर से बाहर निकला और एक ऐसी वादी में आया कि उससे पहले मैंने वो हरियाली वो नूर नहीं, जबकि मैं यहीं का रहने वाला था। जब वहाँ गया तो एक कोई बुजुर्ग शख्सियत, नूरानी शख्सियत उनके दरमियान में खड़ी हुई, ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो उस लड़के की नौकरी थी ना वो इसको दे दो। तो मैंने एकदम कहा कि मुझे वो नौकरी नहीं करनी है वो जो करता था। कह रहा है नहीं, उसकी जो नौकरी थी वो वक्त का इमाम अपने जमाने में इस जमाने में भी अपनी नौकरियां बांटता है और आदि लोग उसके साथ होते हैं, आदि लोग हैं, कुछ लोग 30 हैं, कहीं 60 हैं, कहीं 300, ये नॉर्मल लोग हैं। जब इनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम ही में से किसी का इंतखाब किया जाता है, तो उसका इंतखाब, कहा मुझे इमाम ने इंतखाब किया और वो दिन है और मैं इमाम की नौकरी, ये जो तुम्हारा काम था ये भी उसी नौकरी का हिस्सा था जिसे मैंने अंजाम दिया। अजीजाने मोहतरम, अपने आप को इस काबिल करना पड़ेगा, नो मैटर आप कोई भी हो, इमाम आपका इंतखाब इमाम ने करना है, अपने अंदर सलाहियत ईजाद करें, इंशाल्लाह इमाम जो है वो हम सब का इंतखाब करेंगे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। पहला सवाल है कि भारत मेडिकल स्टूडेंट होते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम किस तरह जो है वो अपनी इस ड्यूटी को इमाम के लिए। तो देखें जो भी फील्ड है चाहे मेडिकल हो, उसमें एक तो आपको स्पेशलिस्ट होना है और आपको खुद देखना है कि आज मेडिकल की बहुत रिक्वायरमेंट है, आज विजडम मेडिसिन की ज़रूरत है, आज जो दुनिया भरल जो धोखा दे रही है बीमारियों के चक्कर में, हमें दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस आपको पता है पिल्स का, ठीक है, तो बड़ी कंपनियां भी सारी यही हैं, हत्ता कि बड़ी बड़ी हुकूमतों को ये चलाती हैं। तो हम अगर आज एक अच्छा डॉक्टर या मेडिसिन बनते हैं तो आज हम उस ज़माने में जब इमाम आएंगे तो क्या हम कौन सी गोलियां बेचेंगे, कौन सी दवाइयां बेचेंगे, कौन सा सिस्टम होगा। तो हमें अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है पहली, दूसरा हमें पब्लिक को सर्व करना है। आप बड़े अच्छे डॉक्टर बन जाएँ और आपके पास टाइम नहीं हो, बंदा मर जाए तो आपकी गर्दन पर है। आप बेशक आप किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में आप सर्जन हो, लेकिन एक हिस्सा आपकी ज़िंदगी का इतना हो कि आप पब्लिक को फ्री में सर्व कर सकें। डॉक्टर अदीब रिजवी की मिसाल हमारे सामने आजकल के दौर के अंदर बिल्कुल ऐसी है कि एक इंसान
या अगर आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है, यू कैन क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड करें आप, और रिसर्च करें बीमारियों पर, मेडिसिन पर, माशरे पर, एक माशरा कैसा हो। लेकिन नॉर्मल डॉक्टर तो चाहेगा लोग मरीज होते रहें उसके बाद, लेकिन अच्छा डॉक्टर चाहेगा कि लोग मरीज ना हों बल्कि लोग सेहतमंद रहें। वो ये क्वेश्चन मार्क है कि हमें पढ़ना क्या है। दूसरा सवाल ये है कि बहरहाल हम यूनिवर्सिटी में ना मैरम लोग हैं, क्लास फेलोज हैं, उनके साथ काम करना पड़ता है, किन बातों का ख्याल करना पड़ता है। तो देखें अल्लाह ने हुदूद रखे हैं, महरम ना महरम, आप पढ़ सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज़ तो खातून को उसको देखना है कि उसका हिजाब किस हद तक। दूसरा, खातून को पता है उसके हुदूद क्या होते हैं, वो कौन से लफ्ज़ जब बोलती है वो अपने हुदूद खुद तोड़ रही है, उसको पता होता है। मर्द को भी पता है कि कितनी बात नॉर्मल होती है, कितनी बात नॉर्मल से आगे बढ़ जाती है। तो जाहिर है मतलब एक आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो बच्चा तो है नहीं, ठीक है, तो उसे सब पता है। तो उसको खातून को खुद अपने लिए, इसलिए देखें इस्लाम कहता है कि अगर खातून किसी से बात करे तो उसका लहजा करख्त होना चाहिए, चाहे फ़ोन पे भी हो। क्यों? ताकि दूसरे के जहन में आपके लिए कोई नॉर्मल ख्यालात ना, आप किसी को इतना होगा तो ये आपके अपने ऊपर। और अल्लाह ने हलाल रिलेशनशिप्स रखे हुए हैं, आप अल्लाह ने आपको दिए, आपके वालदैन को चाहिए कि आप दोनों की जल्दी जल्दी शादियाँ करें ताकि आप ये यूनिवर्सिटियों में बेंचों में बैठने के बजाय अपने शौहर के साथ कॉफ़ी पी जाके सलावत भेजें। हमें कैसे मालूम हुआ हम इमाम ज़माना की कुर्बत हासिल कर सकते हैं? कहा जाता है कि खुराक इंसान के ऊपर असर करती है, तो हम किस तरह पाक हो सकते हैं जो खुराक खा चुके हैं? तो देखें कुर्बत हासिल तो वैसे ही कर सकते हैं जहाँ इतनी सारी मैंने बातें की हैं, इन सारे बातों में मेरा जवाब है। बाकी जो खा लिया तो खा लिया, आप क्या कर सकते हैं? आप जो है वो अस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फ़ार करें और हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। लेकिन ये नहीं कि हराम भी पढ़ा हुआ है बिस्मिल्लाह पढ़ गई जी हमारे लिए तो हलाल हो गया, नहीं, देखें खुराक वाजिबात अदा हो रहे हैं, खुम्स पे हो रहा है, उसके अलावा लुकमा हराम तो नहीं है, किसी का माल खा के तो नहीं खाया गया। कोशिश करें जितना हो सकता है इंसान को अवॉइड करना चाहिए उन जगहों से खाने से जहाँ लोगों की नज़रें पड़ती हैं। उर्फा उस दुकान से फल लेने से भी मना करते हैं कि जो फल बाहर रखे होते हैं और लोग गुजर गुजर कर उन फलों को देखते हैं, उन निगाहों से भी वो लुकमे में आपके ऊपर असर आता है। तो ख्याल करें ऐसी जगहों पर जहाँ आप तो बैठे हुए बड़ा डाइन कोजाइन कर रहे हैं, अगर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेटजी थी दुनिया की मल्टीनेशनल की, शीशों की दीवारें बनाओ ताकि लोग हसरतों से देखते हुए बाहर जाए। यही KFC और मैकडोनल्ड ने सबसे पहले किया है। पहले जितने भी बर्गर शॉप हमारे होते, मना नहीं है आप खाएं, लेकिन बंद होते थे, अंदर कवर होते थे ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने सब शीशे में किया, ये इनकी स्ट्रेटजी थी। मल्टीनेशनल इमाम ज़माना के बोलने तो जॉब नहीं करनी चाहिए, नहीं जॉब करें आप, लेकिन आपको पता हो कि जॉब में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो इमाम के मुखालिफ जा रहा है। यानी आप भी मल्टीनेशनल में कॉपी राइटर हैं, आप ही मल्टीनेशनल में ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड मैनेजर कौन होता है? मार्केटिंग मैनेजर कौन है? GM कौन है? आप ही हैं। तो आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपका अगर जहन इलाही होगा तो आप स्ट्रेटजी ऐसी डिज़ाइन करेंगे। अगर वो कंपनी आपको कहीं से घुमाने के चक्कर में, तो आप उसको घुमाएं। ये तो आपके अंदर बसीरत होनी चाहिए कि आप उन रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करें, ना उनके लिए इस्तेमाल हो जाए। मीडिया की फील्ड में जर्नलिस्ट बनना, हाँ आप जर्नलिस्ट बने, जब अच्छे लोग जर्नलिस्ट नहीं आएंगे तो ऐसे ही आएंगे जो आजकल गा रहे। तो आप अच्छा जर्नलिस्ट बने, आप अच्छे एंकर बने, आप अपने आप को बनवाएं, आप इस काबिल हो जाएंगे लोग मजबूर हो जाएं आपको दिखाने पर, आपको बुलाने पर, आपको बात, आपने अंदर सारी चीज़ें पैदा करें। छोड़नी कोई चीज़ नहीं है। मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो बोले घर से कि TV उतार के रख दो, नहीं, TV लगाओ भाई, स्मार्ट TV लगाओ, ठीक है, लेकिन आप उसमें देख क्या रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल तो आप सिर्फ मुझे देखा करें TV के ऊपर। मलाकूत में जाने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर, मुश्किल सवाल है। घर में बैठी औरत के लिए क्या वजीफा बनता है? घर में बैठी हुई औरत को चाहिए पहले वो सबसे अच्छी हाउसवाइफ बने, अगर वो वाइफ है, अगर बेटी है तो अच्छी बेटी बने, बहन है तो अच्छी बहन बने। तो जब पहला
वाजिब काम खातून का उसका घर है, याद रखिए। आप चाहे प्रोफेशनलिज्म हो, चाहे आपने बहुत पढ़ा हो, सब किया हो, अगर आप अपने घर को नहीं संभाल पाए तो बाहर आप कुछ भी कर लें, सब खोखला है। असल आपका घर है, आप बाहर अपने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, आपकी औलाद की तरबियत ही नहीं हो पाई। आपने अपने शौहर को टाइम देना था, आपने नहीं दिया, तो वो बेचारा फिर कहीं और टाइम देगा, वो क्या करेगा। तो आपका असल काम क्या है? आपका घर है। ये देखें, इस्लाम मना नहीं करता आपको पढ़ने से, आपको जॉब करने से, बिजनेस करने, किसी से मना नहीं करता। मैंने ऐसी फैमिलीज को देखा है कि वाकई बैलेंस इक्वेशन है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी वाइफ सब काम करते हैं, बिजनेस पूरा फैमिली चलाती है, लेकिन बॉन्डिंग रिलेशन, अपने हुकूक को पहचानना, एहतराम करना, ये नहीं कि आपको थोड़ा पड़ गई, पैसे ज़्यादा आ गए, आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप बेचारे अपने शौहर को, नहीं, इस्लाम नहीं है। आपको घर इसलिए, देखें रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा ने यही तो कहा था आकर घर में पहले दूसरे दिन कि अली बाहर के काम आपके, फातिमा घर के काम आपके। तो बीबी ने कहा बाबा कितना अच्छा आपने जो है वो काम को तकसीम किया है हमारे लिए। तो इस्लाम मना नहीं करता आप काम करें, जॉब करें, लेकिन आप अपने हुदूद में रहें। घर अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो आप सारे कामों को छोड़ दें। मलाकूत पे जाने का फॉर्मूला थोड़ा भारी है, इंशाल्लाह फिर किसी और दिन आपको दूंगा। आगा साहब, बच्चों की चीज कराने के लिए इस चीज़ से बच्चे नमाज से मोहब्बत करें, खुदा से मोहब्बत करें, जब क्या करें हम लोग? तो देखें, बच्चा तो उसी से मोहब्बत करेगा जिससे आप मोहब्बत करेंगे। अगर आप अव्वल वक्त नमाज में खड़े हो रहे, बच्चा भी खड़ा होगा। अगर बच्चा आपको सारी जिंदगी अपने बाप को ये देखे कि ये रात को फजर से पहले उठता है, तो आप सोचिए आपके बच्चे की क्या तरबियत होगी। उसको पता है कि ये अव्वल वक्त उठता है नमाज के लिए, काम को छोड़ देता है, बैठा होता है, तो उसको पता है कि कोई है ऐसा जिस पर ये मेरा बाप कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरा बाप गुफ्तगू क्या कर रहा है बहन भाइयों के बारे में, खाने की टेबल पे, रिश्तेदारों पर। मां अगर अपनी बहन के फोन उठा ले और नंद के फोन काट दे, तो आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? आप मुझे सोचे, ये तो नॉर्मल है ना हमारे यहाँ, तो ये तो नॉर्मल रूटीन है हमारे यहाँ। पप्पी बुरी लगती है, खाला बहुत प्यारी होती है, और शौहर कहता है, वो तो शौहर तो खैर बेचारा वैसे बाहर बिजी होता है, उस बेचारे को तो इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं होता, वो कहता है क्या करे आदमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तरबियत है। अगर आज आप अपने बहन भाई रिश्तेदारों की नफरतें अपने बच्चे के दिल में डालेंगे, तो ये कल खुदा से क्या मोहब्बत करेगा, ये कल क्या इमाम से मोहब्बत करेगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। बहरहाल बच्चों को रोल मॉडल कैसे बनाएं, ये तो मैंने आपको बता दिया। इनडायरेक्ट जवाब, इनडायरेक्ट जवाब के लिए देखें, कुछ एक किताब प्रिंट हुई, मैंने बड़ी कोशिश की, मैं वो अब तो खैर मैं जाके वाजिबे में मेरे पर उसको मैं ट्रांसलेट करा ही दूँ। 60 क्वेश्चन हैं बच्चों के जो बच्चा सवाल करता है, और हर एज में एक ही सवाल है, और हर एज में उसके सवाल का जवाब डिफरेंट है। बहुत सारे सवाल बच्चा करता है। आपको एक तो खुद इक्विप्ड होना चाहिए, आप उसको गलत जवाब ना दें। अगर आपको जवाब नहीं आता ना, आप माजत कर लो, खुदा कहाँ है, जन्नत कहाँ है बाबा, जन्नत कहाँ है, वो कोई जन्नत वन्नत नहीं, भागो यहाँ से। बोले खाम खाम सवाब सवाब का हवा रहे, जन्नत है ही नहीं, तो ये तो उसके बहन बैठ गई। अब आप उस बच्चा सवाल करेगा, मेरे बच्चे ने मुझसे एक दफ़ा सवाल किया, उसको मैं वीडियो क्लिप भी बनवाया था, मुझसे सवाल किया उसने, उसने ये एक एनिमेशन थी जो उमर अपने साथ लाइन के ऊपर बनी हुई थी, उसने वो दिखाया, सिर्फ वो हिस्सा है उस एनिमेशन में कि ये जो है ये शुरू से जाह तलब था, यानी इसको डेजिग्नेशन पोस्ट चाहिए शुरू से। उस एनिमेशन में करबला का रोजे आशूरा का दिन है, और ये अपने घोड़े पर एक अजीब सी कैफियत में है कि ये क्या हो रहा है, तो एकदम फ्लैशबैक होता है, और ये बचपन में जाता है
ये सात का बेटा है, जाहिर है वो सहाबी है। ये देखता है कि इसने एक कच्चा मिट्टी का घर बनाया हुआ है, महल बनाया हुआ है, और ये उसके अंदर है। ये उसको बचपन से देखता है। फिर ये देखता है कि ये जो है वो उस महल के अंदर है, महल में पहुंच गया और देखा उस महल की दीवारें कोई तोड़ रहा है। जब उसने उसको बोला क्या कर रहे हो, देखा उसका अपना बाप होता है साथ। कहते क्या कर रहे हो, कहा मुझे नहीं पता था, मुझे रसूल ने कहा था तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के मुखालिफ आएगा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम हो गए। तो वहां मेरे बेटे ने सवाल किया कि जब सात को पता था कि उसका बेटा ये करेगा तो इसको मारा क्यों नहीं। सवाल मैंने बोला भाई कैसे मारता, जब उसने कोई काम ही नहीं किया था। तो फौरन मेरे बेटे ने मुझसे कहा तो फिर हजरत खिजर ने उस बच्चे को क्यों मारा। आप फंस गए, मेरे पास जवाब नहीं था, मैं चुप हो गया। मैंने उसको गलत जवाब नहीं दिया, मैंने कहा उस्ताद के पास चलते हैं, खुद ही पूछ लेना भाई जाके, जो जवाब दे मुझे भी बता दे। यही हुआ, वो गया आयतुल्ला तहरीरी के पास के जिसका इन्होंने जिक्र किया। आयतुल्ला तहरीरी ने क्या जवाब दिया, कहा जो हजरत खिजर ने किया था वो अमरे इलाही था, वो अल्लाह का हुक्म था, वो अल्लाह का वली था, वो उस्ताद था। हजरत मूसा को शागिर्दी के लिए उसको वो अमरे इलाही था, उस अमर को अंजाम दिया, यहां अमरे इलाही नहीं था। अब ये सवाल है, उस बच्चे का अकीदा खराब कर सकता था अगर आपसे सही जवाब, तो आपको खुद इक्विप्ड हो एक हद तक, नहीं हो तो आप उलमा से, स्कॉलर से, जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं आप उससे पूछ कर जो है वो बच्चों को। एक बुक है, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा उसको ट्रांसलेट करा लूं उर्दू के अंदर, एक जर्नलिस्ट होते हुए बहरहाल देखें। अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं तो फिर आप मेरे से पर्सनल रब्ता करें कि मैं आपको फिर रीज बताऊं कि आप जर्नलिस्ट होते हुए क्या क्या कर सकते हैं। आज ही आज हमारी मजलिस में सरेआम कहा जा रहा है कि इमाम जो होते हैं वो हर चीज़ बता कर को ताकत, और इमाम का कोई नायब नहीं है, लिहाजा मुश्तहिद की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये तो पुरानी बातें हो गई, अब तो दुनिया को पता चल गया बगैर मुश्तहिद के गुजारा नहीं है, ना कोई बचा सकता है। और अकीदा रजत पर रोशनी डालें, अकीदा रजत पर अशरे पड़े जाते हैं भाई, रोशनी तो नहीं डाली जाती। रजत के ऊपर किताबें हैं, आप उसको पढ़ें इंशाल्लाह, जब समझ में ना आए तो फिर इंशाल्लाह उस पर आप स्कॉलर्स को दावत दें, वो आपको आके उसके ऊपर लेक्चर्स दें। मोस्ट ऑफ द सोशल फोन्स नीड बिग फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करें, फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपके अमीर आदमी बैठे हैं उनसे बोले फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और क्या वे भी मैं करूँगा। इमाम के मुंतजर की जारी, देखें बात सुने, हमेशा याद रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, किसको, हम काम करना चाहते हैं। देखें ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, कोई भी नहीं करेगा। आप काम करके दिखाएं, खुद आपके ऊपर सपोर्टर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। और अगर काम आप अल्लाह और रसूल के लिए कर रहे हैं, इमाम के लिए कर रहे हैं, इमाम खुद आपके काम को अंजाम देंगे। आप इस इंतजार में बैठेंगे मुझे कोई पैसे दे, मैं कोई जमीन बनाऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भाई आप काम करके दिखाएं। अभी हमें अल्लाह ने तौफीक दी, हमसे हमारी टीम से काम करती है, काम करिए। आज दुनिया कहती है आगा साहब पैसे चाहिए, चाहिए आगा साहब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं कहते नहीं भाई, हमने पहले दुकान खोली थी, जो दुकान से आमदनी आई उससे हमने काम शुरू किए। हमें अल्लाह ने बोला हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका काम सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करता हो, खुदा खुद उतारेगा। मगर अंबिया के पास क्या थे, नबियों के पास क्या था, क्या था हजरत याकूब के पास, क्या था हजरत यूसुफ के पास कि मिस्र का जो है वो बादशाह बन गया, क्या था, पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट की खजाने थे। किरदार, अमल, स्ट्रैटेजी, इतना काम किया कि मिस्र का फिरौन मजबूर हो गया हजरत यूसुफ को बनाने रखने के। तारीख यही कह रही है, कुरान यही कह रहा है, आपको बिल्ड करें, अपने आप को बिल्ड करें, खुदा खुद आपके लिए रास्ते बनाता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, गांव देहातों से उठे हुए हैं, यही हमारे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस गांव का ये शख्स जो है वो दुनिया की किस जगह जाकर बैठा हुआ है, क्या पोस्ट है। क्यों, अमल,
कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और अपने आप को आगे बढ़ाना। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। बड़ा अजीब सा सवाल किया है, इमाम के मुंतजर की शक्ल कैसी होनी चाहिए? तो इमाम के मुंतजर की शक्ल जो है वो कैसी होनी चाहिए, आप बताओ कैसी हो? देखिए बहुत सी चीज़ें विजुअल से ही समझ जानी चाहिए आपको कि इमाम के मुंतजर की शक्ल कैसे होनी चाहिए। भाई शहीद कासिम सुलेमानी को देखे भाई, ये शक्ल है ना, यही तो आजकल डीपीस पे बनाई हुई है, आपने हर जगह लगाई हुई है। क्यों? क्योंकि ये इमाम के मुंतजर की शक्ल है। ऐसी शक्ल होती है इमाम के मुंतजर की जो रात को गिरिए करता है और सिर्फ खुदा की तरफ पढ़ता है, जो ये कहता है कि हम इमाम हुसैन की मिल्लत हैं, हम शहादत परवर कौम हैं। क्या जो आदमी आप यकीन करें 40 साल शहादत ढूंढता रहा, जो उसके साथी थे ना सब शहीद हो गए, शहीद काजमी जब शहीद हुआ ना, जो पुराना दोस्त था, तस्वीर देखें आप उन दोनों की, वो नहीं देखी होगी आपने, वो बहुत शहीद काजिम जो पब्लिशर है उन्होंने के पास वो तस्वीर है, क्या तस्वीर है, शायद मैंने खींची हुई है कहीं, दोनों जवानी में एक दूसरे के हाथ रख के बैठे हुए हैं दोस्त, जवानी में। शहीद काजमी जब शहीद हुआ ना, कासिम सुलेमानी ने इतना गिरिया किया, कहा कि मैं बच गया, सब चले गए। इसीलिए रहबर ने उसे जिंदा शहीद का उन्वान पहले ही दे दिया था, तुम जिंदा शहीद हो। वो ढूंढ रहा था अपनी शहादत को। ये मुंतजर की शक्ल है, ये जो हमारे मुश्तहिद हैं, इनके आप हमें नहीं देखा करें, हम लोग तो टूटे फूटे खोखले इंसान हैं, खताखार गुनाहगार। आप इनको देखें, सैयद अली सिस्तानी को, सैयद अली खामनाई को, ये हैं इमाम के मुंतजर की शक्लें, ये हैं अजीजाने मोहतरम, यही हैं तो जो हमें इमाम की याद दिलाते हैं, हम इमाम की तरफ बढ़ते हैं। वरना आप बहुत लोग तो दुनिया की तरफ हैं, दुनिया के शिकार हैं। फिर सवाल ये किया गया कि भाई शहीद आरिफ के बाद से जो है हमारा कोई लीडर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। देखें इसमें हमारा अपना कसूर है, लीडर होता है, लोग होते हैं, हमें उनको रोटेट करना ही नहीं आया, हम उनको देखें, अकेला आदमी थोड़ी माशरे को चलाता है, माशरा चलता है उसके साथ। माशरे में जब सलाहियतें होती हैं तो अब ठीक है, माशरा अलग हो गया, कि मैं बहरहाल इसमें इतनी गुफ्तगू नहीं करना क्योंकि मैं बहरहाल पाकिस्तान में नहीं रहता जिदाने मोहतरम, बहुत सारे मौजू मेरे मौजू नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं लीडर नहीं हूँ, ना मैं लीडर बनना चाहता हूँ, ना मैं कोई लीडर हूँ, मैं खत्ते मुकदम का सिपाही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि पहला तीर मुझे आके लगे, पहली गोली मुझे आके लगे, पहले मैं मारा जाऊँ फिर मेरा इमाम आए। खत्ते मुकदम के सिपाही बने, आप अपना वजीफा अंजाम दें। जाने वो तो बहरहाल आपके सामने दुनिया, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग आपके इन हैंड टच पर है। जो वो शख्स कह रहा है वो फर्जंदे ज़हरा, उसको अमल करें हर फील्ड में। यही आपका लीडर है, यही आपकी डायरेक्शन है, यही परचम वक्त के इमाम को इंशाल्लाह देगा, और उसी तरफ अपनी निगाहों को रखें। आखिरी सवाल, तो राइटिंग डॉक्टरों वाली माशाल्लाह, और मैंने खैर अच्छी राइटिंग है, बुरी राइटिंग नहीं है, लेकिन अब हमारी आदत नहीं रही ना। डिप्रेस्ड, बड़ा इम्पोर्टेंट बहरहाल ये क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट मौजू की तरफ, कि आज हमारा जवान जो है, और बल्कि जवान के अलावा भी करके, डिप्रेशन में क्यों है, डिप्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, और या वो नहीं है, प्रिटेंड करता है कि वो डिप्रेशन में है, या वो डिप्रेशन का शिकार है, तो वो खुदा का शुक्र क्यों नहीं करता वो जवान? तो देखें इसमें भी जो सबसे बड़ा किरदार है वो सोसाइटी का है। सोसाइटी सिर्फ एक दो चीज़ों से बिल्ड नहीं होती है, इकोनॉमिक्स सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ। उसको वो जब देखता है हर चीज़ तो उसे क्या लगता है, जब वो मज़हब की शक्ल देखता है अजीब सा हो जाता है, जब वो पॉलिटिकल सिस्टम देखता है अजीब, जब वो मीडिया देखता है, जब वो सड़कों में निकलता है, यहाँ तो फिर बेहतर है, कराची में निकलता है कहता है ये कौन सी ज़िंदगी है,
इसके लिए इतनी जिंदगी में टैक्स देते रहे, तो ये डिप्रेशन बिल्ट इन है। फिर आपकी लाइटों का जाना, फिर आपके जानबूझ के प्लान है, ये प्लान है कि आपको डिप्रेस रखे, आपकी सलाहियतों को मारे, आप क्रिएटिव नहीं हो पाए। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही हल है, पॉजिटिव सोच रखें। जिंदगी महदूद है, दुनिया महदूद है, इस पर क्यों गम खाऊं मैं, जब जिस दुनिया ने रहना ही नहीं है तो मैं क्यों डिप्रेशन में आऊं कि ये मुझे मिला नहीं, ये मुझे पानी नहीं मिला, ये मुझे गैजेट्स नहीं मिले, ओहो मेरे पास तो आईफोन 11 नहीं आया अभी तक, तो क्यों डिप्रेशन में हूं भाई। उनको कौन सा, अगर आप भी गए तो कह, जिसके पास आ गया तो उसे पर लग गया। ये डिप्रेशन हैं, इसको कॉर्पोरेट डिप्रेशन डालती है। खूबसूरत ऐड आ रहे हैं, वो तो आजकल पेन यू निकलेगा, यूं टच करेगा जिंदगी बदल, धोखा है वही जो पुराने उन नोट में था, अभी भी वही नोट ही है, वो कुछ नहीं है। वो जो आपको कलर में इतना बंदा डिप्रेशन में, ब्रांड कौन से पहनूं, जूता कौन सा पहनूं, घड़ी कौन सी पहनूं, ये कौन सा पहनूं, कपड़े कैसे होने चाहिए, जो यूनिवर्सिटी पढ़ता है उसको और डिप्रेशन है। एलवी का बैग हो या नहीं है, कॉपी ही सही, एलवी का तो होना चाहिए कम से कम। अब वो बार बार निकाल के भी खातून दिखा के रखेगी एलवी का, क्यों कॉर्पोरेट डिप्रेशन में रखना चाहती है आप। आपकी कीमत आपके ब्रांड से लगा रही है वो, कितना अफसोस है। इंसान की कीमत क्या है, आए नैजो बराबा में देखें, इमाम कहते हैं इंसान की कीमत उसका इरादा है, जो उसका इरादा है वो उसकी कीमत है। अब आपका इरादा क्या है, पूरा साल पैसे जमा करूं आईफोन खरीदूंगा, ये आपका इरादा है, तो कीमत भी आपकी यही है। आप अपनी कीमत खुद लगा रहे हैं। अब आपको कोई शख्स देखता है, ओ मौलाना साहब ब्रांडेड ग्लासेस पहने हैं, ओ माय गॉड मौलाना साहब के शूज देखो, ये भी ब्रांडेड लगते हैं कहीं ना, मौलाना साहब की अंगूठी भी बहुत जबरदस्त है ना, अलग से रंग है, किसी से मिलता है भाई, जाहिर है हमें तो अपने आप को अलग ही रखना कहीं ना कहीं से। लेकिन सादी चीजें, जो चीजें हमारे लिए लग्जरी बना दी गई हैं, वो बहुत जगहों पर नेसेसिटी है, वो लग्जरी नहीं है। अब बहुत सी चीजें नीड है, शो ऑफ नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसने क्रिएट किया है एक ऐसा होलोग्राम। तो ढहर है डिप्रेशन में रहेंगे आप। अब आप बाहर गाड़ी देंगे, ओ यार नया मॉडल आ गया, उफ हमारे वाले में तो स्क्रीन ही छोटी है गाड़ी में, ये तो नहीं स्क्रीन, डिप्रेशन गाड़ी को सर, ओह तो किया कि स्पोर्टेज भी आ गई यहाँ पे, ओ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है ये जान। आप तवज्जो ही नहीं दें, आपको जो अल्लाह ने दिया है शुक्र करें भाई, आपके पास साइकिल भी है, आप शुक्र करें मैं अपनी मंजिल पे पहुंच रहा हूं, सालिम हूं, आंखें सालिम है, कान सालिम है, खुदा का शुक्र है, रोज मुझे दो लुकमे मिल जाते हैं, मैं उसको सजदा कर रहा हूं, इस पर खुश हूं। करोड़ों लोग सजदा नहीं कर पा रहे दुनिया में, उनको डिप्रेस होना चाहिए था, आप क्यों डिप्रेस हो रहे हैं। आप शुक्र करें आपके माँ बाप हैं, आपकी दुनिया सालिम है, हर रोज सजदा मिल जाए ना तो बस खुदा का शुक्र करें और खुदा से जुड़ें। जितना खुदा के करीब आएंगे, ये सारी देखें जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी खुदा आपको दे देगा। ठीक है, अगर सारे ही अमीर होते तो बड़ा ही कौन बनता भाई, फिर ये सारे काम कौन कर। अल्लाह ने सिस्टम किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने आपको कहा है कि जो तुम्हें दिया है तुम उसके मालिक नहीं, जितना कर सकते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा वैसे भी तुम्हारा नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का वक्त मेरा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, आधा घंटा मैं ऊपर चला गया हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ। इसी दुआ के साथ कि हमें खुदावंद मुताल वक्त के इमाम का मुंतज़र बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों की मग़फ़रत फरमाए।